दोस्तों आप सभी ने ब्लॉकबस्टर मूवी किक तो देखी होगी, जिसे दर्शकों ने बड़ा पसंद किया था। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर सलमान खान, जैकलिन, रणदीप हुडा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए, जिनके अभिनय को फिल्म में काफी पसंद किया गया। इस फिल्म के पहले पार्ट को इतना पसंद किया गया तो दर्शकों को इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था। तो आपको बता दें कि बहुत जल्दी पर्दे पर किक 2 आने वाली है। तो कौन होंगे इस फिल्म के किरदार और क्या कहानी होगी, इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस दमदार मूवी के लिए वीडियो को लाइक कर दो। किक मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था साजिद नाडियाडवाला ने अपने प्रोडक्शन हाउस ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के तहत। ये फिल्म 2009 की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुडा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए। इस फिल्म की कहानी साजिद नाडियाडवाला और चेतन भगत ने लिखी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 402 करोड़ की कमाई की। फिल्म में दिखाया गया कि डेविल यानी सलमान खान बच्चों की मदद के लिए जोखिम उठाता है और इस फिल्म को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि 2014 से ही लोग इसके सेकंड पार्ट यानी किक 2 की आस करने लगे। आपको बता दें आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि भाईजान बहुत जल्दी किक 2 लेकर आ रहे हैं और खबरों के माने तो लीड एक्टर के तौर पर सलमान ही नजर आएंगे। वहीं रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अपने अपने किरदारों को निभाते हुए दिखेंगे, लेकिन फिल्म के लिए लीड एक्टर्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म में जैकलीन को ही लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया जाएगा। आपको बता दें इस फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। इस फिल्म की शूटिंग भाईजान अपने आने वाली फिल्म राधे की रिलीज के बाद ही शुरू करेंगे, लेकिन अब की बार इस फिल्म की कहानी में क्या होगा इस बात की जानकारी अभी नहीं मिली है। पर पहले चैप्टर को देखने के बाद यही लग रहा है कि इस बार इस फिल्म की कहानी दमदार ही होगी। अब बस फैन को भाईजान की इस दमदार फिल्म का इंतजार है। तो दोस्तों आपको किक फिल्म कैसी लगी थी कमेंट में बताइए और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।